20 जून को पूरे महाराष्ट्र में अग्निपथ के खिलाफ होगा आंदोलन। एनसीपी यूथ विंग के कार्य अध्यक्ष रविकांत वरपे का ऐलान। 20 जून को होने वाले आंदोलन को लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को किया अलर्ट। कई जगहों पर माहौल खराब होने की संभावना। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ के चलते रेलवे को बड़ा नुकसान। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में रेल यातायात बाधित। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में भाजपा विधायकों की बैठक। विधान परिषद चुनाव तक सभी विधायक होटल ताज में रहेंगे। कांग्रेस विधायकों ने वर्ली के फोर सीजन्स होटल में डाला डेरा। चुनाव को लेकर बड़े नेताओं के साथ की बैठक। पवई के वेस्टर्न होटल में शिवसेना और शिवसेना समर्थित निर्दलीय विधायक बैठक में विधायकों को मतदान को लेकर मार्गदर्शन। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रखे गए राष्ट्रवादी के सभी विधायक। होटल में अजीत पवार की उपस्थिति में हुई बैठक। सुहास कांडे मामले को लेकर शिवसेना सावधान। मतदान के वक्त गलती पर भी सख्त कार्रवाई के दिए संकेत। आज बोरीवली में नए फ्लाईओवर का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। उद्घाटन के समय भाजपा शिवसेना आए आमने सामने। दाऊद के डी गैंग ने भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को फोन पर दी धमकी। कहा तुम्हारी हत्या होकर रहेगी। बहुजन विकास अघाड़ी का दो मत राष्ट्रवादी को जाने को लेकर चर्चा। शक के चलते प्रवीण दरेकर, गिरीश महाजन ने की हितेंद्र ठाकुर से मुलाकात। विधान परिषद चुनाव में महाविकास अघाड़ी का एक विकेट गिरेगा। चंद्रकांत पाटिल का दावा। चंद्रकांत पाटिल के बयान पर अजीत पवार का पलटवार। कहा 20 जून को दिखेगा चमत्कार। शिवसेना में अंदरूनी मतभेद की खबर को संजय राउत ने बताया अफवाह। कहा निर्दलीय विधायकों का भी वोट शिवसेना को मिलेगा। विधायक रवि राणा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। मुंबई पुलिस रवि राणा को कभी भी कर सकती है गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। वो बहुत दावा करते हैं लेकिन कभी सही नहीं होते हैं। महाविकास अघाड़ी के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। भाई जगताप का बयान। बोंगो को लेकर मनसे आक्रामक। राज ठाकरे के पत्र को 1 लाख लोगों तक पहुंचाएंगे। मनसे जिला अध्यक्ष का बयान। मुंबई में आज कोरोना के 2054 नए मामले आए सामने। 2 संक्रमितों की मौत। 23 साल बाद रणजी के फाइनल में पहुंचा मध्य प्रदेश। 22 को मुंबई के साथ होगा फाइनल मुकाबला। पर शिवसेना के वर्धापन दिवस के मौके पर दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाएंगे वेस्टर्न होटल। सभी शिवसेना विधायकों से करेंगे बात। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। सोने के दाम 51,980 रुपए तोला तो वही चांदी 61,000 प्रति किलो पहुंचा। अग्निपथ योजना के विरुद्ध बिहार में युवाओं ने कई गाड़ियों और ट्रेनों को किया आग के हवाले। 15 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। लगातार बढ़ती हिंसा को लेकर रेलवे का बड़ा ऐलान। बिहार में सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक नहीं चलेगी कोई ट्रेनें। कल राज ठाकरे लीलावती अस्पताल में होंगे भर्ती। सोमवार को होगा राज ठाकरे का ऑपरेशन। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 3,883 नए मामले आए सामने। वहीं 2 कोरोना मरीजों की हुई मौत। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।